हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अकाउंट्स का जो पेपर आप लोग देके आए हैं, जो कि बीकॉम ऑनर्स का पेपर था। ठीक है, तो ऑनर्स का पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ चार सवाल आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट ये आएंगे अकाउंट्स का। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ये लेंथी हो जाएगा। पूरा का पूरा सोल्यूशन अगर मैं अपलोड कर दूं तो ये लेंथी हो जाएगा। तो आज फिलहाल मैं चार सवाल अपलोड करूंगा। ठीक है, चार सवाल का सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा, डिस्कस कराऊंगा। इसके बाद आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग क्या लिख के आए हैं, आप लोग सही लिख के आए हैं कि नहीं लिख के आए हैं। और एकदम डिमोटिवेट होने का दरकार नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, एकदम डिमोटिवेट होने का दरकार नहीं है। आप लोग मैच कर लीजिए एक बार, और आप लोग को ये पता चलना चाहिए कि कितना मार्क्स आ रहा है मेरा, कितना मार्क्स नहीं आ रहा है। इसका कंफर्मेशन के लिए मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं। तो आज चार सवाल हम लोग करेंगे और पार्ट बाय पार्ट आते रहेंगे। इसीलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मैं बता दूं कि जनरल वालों का भी जल्दी मैं लेके आ रहा हूं। अगर जनरल वाले मेरे को कमेंट में बोलेंगे कि जनरल वालों को भी चाहिए इसका सोल्यूशन, ऑफकोर्स अकाउंट पेपर का डिस्कशन जनरल वाले को भी चाहिए, तो जनरल वाले के लिए भी आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले ऑनर्स वालों सुन लो, चार सवाल आज सोल्यूशन मैं करवा रहा हूं तुमको। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए सोल्यूशन पहले से बना के रेडी रखा हूं, क्योंकि ऑफकोर्स मैं यहां अगर बनाने बैठता तो तुम्हारा टाइम जाता और मेरा भी टाइम जाता। ठीक है, इसीलिए तुम लोग यहां पे देख लो, मैच कर लो। यहां पे देखो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को बैलेंस शीट बनाने बोला था सॉफ्टोर्सी का। तो ऑफकोर्स हम लोग क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ऑफकोर्स वही हम लोग सबसे पहले बनाए। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 40,000 दिया हुआ है। सेल्स हम लोग सारा का सारा लिख दिए हैं, परचेज दिया हुआ है, रिटर्न्स भी दिया हुआ है इधर। ठीक है, और यहाँ पे देखो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड भी 5,000 दिया हुआ है। वेजेस भी दिया हुआ था हम लोग को, कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ था, और जीपी हमारा निकला था 95,500। जीपी हमारा निकला था 95,500। तुम लोग मैच कर लो ये जीपी तुम्हारा निकला है कि नहीं, 95,500। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक देखो 46,000 है, और सेल्स में रिटर्न कर दिए लेस रिटर्न। ठीक है, ओके। अभी पीएल में चलो, आई होप ये लोग ये तुम लोग ऑफकोर्स देख लिए होंगे, जीपी हमारा निकला है 95,500 ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे जीपी को ट्रांसफर किए तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैलरी लिखे, कैरेज आउटवर्ड, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था 8,500 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा था 5,000। ठीक है, उसको एडजस्ट किए हम लोग। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को यहाँ पे गलती से माइनस लिख दिए, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसका मतलब टोटलिंग सही किया है लेकिन गलती से लिख दिए। चलो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देखो यहाँ पे 13,500। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ठीक है एक मिनट दोस्तों, इसके बाद देखो एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, पीवीडी, बैड डेट एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इसके बाद बैड डेट दिया हुआ है, पीवीडी, पीवीडी मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट है यहाँ पे, टू लॉस ऑन, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो इसको अगर टोटल मैंने किया ना, इसको जब मैंने टोटल किया तब मेरे को लॉस निकला बाय नेट लॉस। तो तुम्हारा भी क्या लॉस निकल रहा था, लॉस निकलेगा इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं बता दूं 27,050 का लॉस निकलेगा, 27,050 का लॉस निकलेगा, 27,050 का लॉस निकलेगा, इधर नेट लॉस होगा, नेट लॉस निकलेगा। ठीक है, उसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, ऑफकोर्स बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे इसको, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट में जब हम लोग ट्रांसफर करने गए ये, तब देखो यहाँ पे ये बैलेंस शीट है। सॉरी दोस्तों, फॉर्मेट का ज्यादा फॉर्मेटिंग मैं कर नहीं पाया, जल्दी जल्दी मैं सम्स किया हूँ। ठीक है, तो इसी के लिए तुमको बस आंसर मिलाना है, तुमको बस आंसर मिलाना है, आंसर मिलाने के लिए आए हैं, ना कि पूरा पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन अभी आंसर मिलाओ। यहाँ पे देखो कैपिटल, यहाँ पे नेट लॉस को माइनस किया था, कैपिटल का बैलेंस इतना निकला था 472950। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट था, बिल्डिंग का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक अपना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, मेरे को पता है यहाँ पे स्टॉक एंड ट्रेड लिखते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये डेटर्स था, इसका एडजस्टमेंट सेट ऑफ करना था, सेट ऑफ 5,000, और क्रेडिटर्स के साथ भी 5,000 मैंने सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स को एड बैक भी करना था,
एडबैक भी करना था, ये 2000 ये तुमने बिल्कुल सेम टू सेम किए हो ना, तुम बिल्कुल सेम टू सेम किए हो ना, इसीलिए मैं तुमको डिस्कस करवा रहा हूँ। और प्लीज डिमोटिवेट मत होना, अगर गलत भी हो जाए तो ठीक है कोई बात नहीं, तुमको मार्क्स मिलेगा, तुमको मार्क्स मिल जाएगा, अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। मैं ये वीडियो डिमोटिवेट कराने के पर्पज से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड रहता है कि मैं क्या लिख के आया हूँ पता चलना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे देखो कैश इन हैंड, उसके बाद कैश शॉर्ट, और यहाँ पे कैश एट बैंक, ठीक है, कैश एट बैंक के साथ हम लोग नॉट इन कैश चेक को ऐड कर लिए, नॉट इन कैश चेक को ऐड कर लिए। अब देखो बैलेंस शीट टोटल देखो 660950, तुम्हारा क्या सेम है 660950, बैलेंस शीट टोटल तुम्हारा 660950 है, बैलेंस शीट टोटल तुम्हारा क्या 660950 है, बिल्कुल है सर। अगर नहीं भी है तो डिमोटिवेट होने का दरकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑनर्स का ही पेपर, ऑनर्स का ही पेपर है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखो, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया हूँ, जर्नल बनाना था यहाँ पे देखो, लेकिन मैंने ये सब नहीं बनाया है। अब इसका सोल्यूशन बस तुम देखो, सबसे पहला वाला एंट्री होगा डेटर्स टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स टू सेल्स अकाउंट लिखे हो 40,000 डेटर्स टू सेल्स अकाउंट। दूसरा वाला एंट्री देखिए 15 तारीख को हुआ है 15/7/22, यहाँ पे सेल्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे 10,000, ठीक है। अब थर्ड वाला एंट्री देखिए जो कि 31 मार्च में हुआ है, आप लोग ऐसा लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, मैं कंफर्म करने के लिए ऑफकोर्स आप लोगों को कमेंट में लिखना पड़ेगा कि कैसा गया आपका पेपर। और जनरल वालों, तुमको अगर अकाउंट्स का सजेशन चाहिए, तुमको अगर अकाउंट्स का पेपर डिस्कस कराना है तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ, उसके हिसाब से मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। और मैं बता दूं कि इसका पार्ट्स बहुत सारे आएंगे, ठीक है, सारा कुछ एक पार्ट में करना मतलब संभव नहीं था मेरे लिए, मैं इसका तीन चार करके पार्ट्स बनाऊंगा। आप लोगों को देखना है, ऑफकोर्स तू सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, लाइक करके रखिए और कमेंट करके रखिए, आपको आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 31 दिसंबर में इन्वेंट्री विद द कस्टमर, इन्वेंट्री विद द कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, इन्वेंट्री विद द कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट 8,000, ठीक है। आपका मैच क्या होगा शायद से दोस्तों, आइए अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर टू आइए, रेक्टिफिकेशन का सम था, इलस्ट्रेशन नंबर टू आइए, ये रेक्टिफिकेशन का सम था, इसका भी मैच कर लो। सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न टू डेटर अकाउंट 1000, मैच किया तुम्हारा सेल्स रिटर्न टू डेटर अकाउंट 1000। दूसरा वाला एंट्री डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस अकाउंट 4000, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस अकाउंट 4000। अब थर्ड वाला एंट्री देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 13000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 13000। चौथा वाला देखो सस्पेंस अकाउंट टू राय अकाउंट टू सिंह अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का 1200, राय अकाउंट का 600 और सिंह अकाउंट का 600। अब देखो मैंने इसका नरेशन नहीं लिखा है क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी करना था, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि नरेशन फॉर्मेट तुमने बहुत अच्छे तरीके से किया है ऑलरेडी, ठीक है। और प्लीज अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल किसका वेट कर रहे हो तुम, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका भाई आपके लिए बहुत सोल्यूशन लेके आया है, पूरा का पूरा सोल्यूशन लेके आया है। आप लोगों को पॉज करना है, सोल्यूशन को एक बार देखना है, देखिए सेल्स रिटर्न टू डेटर अकाउंट पहला वाला, दूसरा वाला डिप्रिसिएशन टू सस्पेंस अकाउंट, और तीसरा वाला फर्नीचर टू परचेस अकाउंट, चौथा वाला सस्पेंस टू डाई टू सिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपका मैच हो गया होगा शायद से, डिप्रिसिएशन तो बहुत रेक्टिफिकेशन तो बहुत ज्यादा ईजी था, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सेकंड पार्ट वाला देखिए, रेवेन्यू था 4,50,000, रेवेन्यू कितना था 4,50,000, उसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए एक्सपेंस को, एक्सपेंस को अगर माइनस किए तो क्या क्या निकल गया आपका, नेट प्रॉफिट निकल गया। ये आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ओके। अब देखिए ये टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस क्रेडिटर्स, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस क्रेडिटर्स, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए जल्दी जल्दी हड़बड़ा के ये सब सारे इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है, एक दो अगर गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन गलती शायद ही होगा शायद, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सॉल्व किया हूँ उसको, ठीक है। तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस प्लस क्रेडिटर्स अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे आपका टोटल एसेट्स निकल जाएगा, उसके बाद आपका
क्वेश्चन नंबर वन में ही फर्स्ट पार्ट में ही आपका पूछा था एसेट का डेफिनेशन, तो देखिए एन एसेट इज ए रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू। आप लोग अलग आंसर लिखे होंगे लेकिन इस आंसर से भी मिला लीजिए कि ऐसा मिलता जुलता वर्ड लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कि दैट इज इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन और कंट्री ओन्स और कंट्रोल्स विद एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड ए फ्यूचर बेनिफिट, जो फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएगा, इसी के लिए हम लोग इसको ओन करते हैं या रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चार सम, ये चार इंपॉर्टेंट सम्स मैंने आज करवा दिए हैं। अब आपको किसके किसका वेट करना पड़ेगा, पार्ट टू का वेट करना पड़ेगा। पार्ट टू में और भी क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट टू में और भी क्वेश्चन आएंगे ऑनर्स का और जनरल। जनरल वालों प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑफकोर्स इसका पूरा डिस्कशन। अगर चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी बिल्कुल बना दूंगा, और तुमको लेकिन देखना पड़ेगा, वो सारे वीडियोस देखना पड़ेगा। मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए आपका, मेरे को आपका प्यार चाहिए, मेरे को आपका क्या चाहिए, प्यार। तो दोस्तों मजे कीजिए और ये डिस्कशन वाले वीडियोस देखते रहिए। आप लोग हैं तो मैं हूं, ऑफकोर्स इसीलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।